हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है द डिटरमिनेंट्स पार्ट टू। हमने पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था इनडेफिनेट डिटरमिनेंट्स के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट डिटरमिनेंट्स। इनडेफिनेट डिटरमिनेंट्स हम क्वांटिफायर्स के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है वो इन्हीं डिटरमिनेंट्स में प्रॉब्लम आती है, जिसे हम इनडेफिनेट डिटरमिनेंट बोलते हैं, जैसे सम, एनी, फ्यू, लिटल। फ्यू के भी पार्ट होते हैं, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, और लिटल में होता है आपका लिटल, अ लिटल और द लिटल। सबसे ज्यादा आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देखोगे, आप कोई भी अपना एकेडमिक क्लासेस आपका जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, सबसे ज्यादा जो आपके एक्सरसाइजेस होते हैं, इसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और इस इंडेफिनेट डिटरमिनर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, और इसके बाद आपको कोई भी छोटे से छोटा भी अगर कोई प्रॉब्लम है वो आपकी सब की सब इसमें दूर हो जाएगी। चलो अब हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो पहला जो हमारा इंडेफिनेट डिटरमिनर है वो है हमारा सम। हम पढ़ते हैं क्या होता है हमारा सम। सो ये हमारा पहला है इंडेफिनेट डिटरमिनर, जो सम होता है। सम इज होता है हमारा एक नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट, नॉर्मल सेंटेंस, विच इज फॉर यूज फॉर ओनली पॉजिटिव। जो भी कोई पॉजिटिविटी शो कर रहा है और बट कम मात्रा में, इन वेरी लेस अमाउंट। लाइक जैसे हम इसके बारे में अभी थोड़ा पढ़ते हैं, ये क्या होता है, नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट एंड पॉजिटिव। लाइक इसके ऊपर चलो मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं, लाइक आई हैव सम मनी, आई हैव सम मनी, ओके, आई हैव सम मनी। तो इसमें सम क्या है, इसमें सम आपका क्या शो कर रहा है, सम कि मेरे पास कुछ पैसे, ज्यादा नहीं है लेकिन कम अमाउंट में, इन वेरी लेस अमाउंट। बट ये सेंटेंस पॉजिटिव है, और पॉजिटिव सेंटेंस बोले तो अफर्मेटिव सेंटेंस। फाइन, ऐसे ही जो आपका एनी होता है इसका जस्ट अपोजिट है। आई होप हम एनी भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा एनी। एनी जो होता है वो हमारा एक नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट होता है, और ये जो हमारी शो करता है ये हमारी नेगेटिविटी शो करता है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे एक सेंटेंस है, आई डू नॉट हैव एनी आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। फाइन, आई डू नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। सो अगर किसी भी सेंटेंस में अगर कोई आपको अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस अगर आपको दे रखा है, और उसमें अगर आपको सिंपल सेंटेंस है, अगर आपको नॉट दिया हुआ है, तो हमेशा उस सेंटेंस में आप एनी यूज करोगे। ओके, जो एनी की जो सेकेंड कंडीशन होती है वो एक इंटरोगेटिव की भी होती है। किसकी होती है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में आपका क्या होता है, जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर दे रखा है, जैसे डू यू हैव एनी सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी आइडिया, सो कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, एनी यूज करते हैं। नेक्स्ट डिटरमिनर है हमारा फ्यू एंड लिटल। फ्यू और लिटल में आपके दो सेंटेंसेस होते हैं, दो ग्रुप्स होते हैं, फ्यू और लिटल। फ्यू और लिटल में क्या होता है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें से दो चीजों का डिफरेंस होता है। ये होता है आपका अकाउंटेबल होता है, काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, और ये हमारा यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ओके, काउंटेबल नाउन से फ्यू जो यूज होता है, जब फ्यू का मतलब होता है वो होता है बिल्कुल ना के बराबर, नॉट एट ऑल। ओके, जो फ्यू का जो यूज होता है वो होता है हमारा नॉट एट ऑल। ओके, जैसे इसका एक यही कि मैं आपको एक सेंटेंस बताऊं, जैसे देर आर फ्यू पीपल इन द मार्केट ड्यू टू लॉकडाउन। जो मार्केट में जो है बहुत कम पीपल है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। देर आर फ्यू व्हीकल्स ऑन द रोड,
आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, जो हम यूज करते हैं नॉट एट ऑल, बिल्कुल ना के बराबर। काउंटेबल है फ्रेंड्स, काउंटेबल है पीपल, काउंटेबल है व्हीकल्स, काउंटेबल है, बट बिल्कुल कैसे, बिल्कुल ना के बराबर। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा लिटिल। लिटिल जो हमारा यूज होता है वो होता है सेम थिंग, नॉट एट ऑल, और जो हमारी ये दूसरी चीज जो शो करता है वो शो करता है नेगेटिविटी। जैसे आपका एक सेंटेंस दे रखा है लिटिल से, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, कि उसके सक्सेस के लिए बहुत ही कम होप बची हुई है। फाइन, देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में जो है वो बहुत कम मिल्क बचा हुआ है। सो उसके लिए जो अनकाउंटेबल, हम सक्सेस को काउंट नहीं कर सकते, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, सो दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है हमारा फ्यू में जो होता है अ फ्यू होता है, जो फ्यू में होता है हमारा। सो नेक्स्ट होता है हमारा अ फ्यू। अ फ्यू को जो हम यूज करते हैं वो होता है हमारा एक सम, और ये जो हमारी शो करता है, हमारी शो करता है पॉजिटिवनेस। ओके, सो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको सिर्फ कुछ की बात की जा रही है, किसकी, कुछ की, और उसमें अगर पॉजिटिवनेस शो हो रही है, तो उसके लिए हम आप यू यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, आई कैन नॉट एक्सेप्ट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस इन फ्यू वर्ड्स। ओके, जैसे कि मैं अपनी जो हैप्पीनेस है वो फ्यू वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ऐसे ही एक और सेंटेंस है, जैसे आई हैव गॉट फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क, कि मुझे सिर्फ कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, इसीलिए उसमें क्या बोल रहा है, सम, कुछ, और पॉजिटिवनेस शो कर रहा है। फाइन, नेक्स्ट है हमारा जैसे इसी में लिटिल, अ लिटिल। अ लिटिल में भी क्या होता है, अ लिटिल भी आपकी सम होता है, कुछ होता है, और इसमें भी आपका ये पॉजिटिवनेस शो करता है। बट इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये वाला जो है, ये वाला हमारा काउंटेबल नाउन को शो करता है, और ये वाला जो शो करता है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन को शो करता है। जैसे काउंटेबल नाउन जैसे इसमें था, इसमें क्या था हमारा, जैसे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस, वी कैन काउंट क्वेश्चंस। ओके, वर्ड है, वर्ड को हम काउंट कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम अ लिटिल के बारे में अगर हम यूज करें, जैसे सेंटेंस है, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस दिस टाइम, मतलब इस बार उसके सक्सेस होने के कुछ चांसेस हैं। सो मतलब कुछ चांसेस अभी बचे हुए हैं, इसीलिए वो शो क्या कर रहा है, पॉजिटिवनेस शो कर रहा है। फाइन, सो बस इन दोनों में यही डिफरेंस है, ये सम को शो करता है, और ये भी सम है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, लेकिन डिफरेंस क्या है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल का। फाइन, लास्ट है आपका द फ्यू एंड द लिटिल। द फ्यू जो हमारा यूज होता है, ये हमारा क्या डिनोट करता है, ये हमें बताता है कि नॉट मोर, नॉट मोर बट ऑल ऑफ दोज। इसका मतलब होता है कि ज्यादा नहीं बट जितने बचे हुए वो सारे। जैसे मैं इसके ऊपर आपको एक एग्जांपल बताऊं कि ही वॉन्ट्स टू स्पेंड the few days of summer vacation to in learning in English speaking skills. Fine. So मतलब वो जो कोई भी person है, वो अपने बचे हुए सारे दिन summer vacations के English speaking skills में उनको सीखने में improve करना चाहता है। Last है हमारा the little. लिटिल भी इसीलिए यूज होता है, सेम, नॉट मोर बट ऑल ऑफ दोस, बट इसका मतलब होता है अनकाउंटेबल लाउन। इसका मतलब क्या होता है, अनकाउंटेबल लाउन। जैसे सेंटेंस है, मैं ये वाला सेंटेंस मैं आपको लिखना चाहूंगा, द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द जग वॉज
लेक्ड बाय हबीट। मतलब इसका मतलब होता है कि जग में बस थोड़ा सा ही मिल्क बचा हुआ था, लेकिन पपी ने वो भी पी लिया। ओके, सो यही था आपका कि सम, एनी, फ्यू एंड लिटिल। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। पार्ट थ्री में हम बाकी बचे हुए इनडेफिनिट डिटरमिनेंट्स को पढ़ेंगे। जो भी है इसे अच्छे से आप एक बार रिवाइज करिएगा, और जितने भी हो सकता है आप हमारी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोशिश हो सके सो फर्म फ्यू सम एनी फ्यू और लिटिल से ज़्यादा सेंटेंस लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो। थैंक यू सो मच।